हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे इस हैवेल्स कुकर के बारे में कि ये कैसा है और क्यों मैंने ये हैवेल्स का चूज किया और क्या क्या इसकी खासियत है और कितने का ये पड़ा और बहुत सारी चीजें। तो मैं चलिए आप लोग को बताता हूँ कि हैवेल्स मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये एक लाइट से चलने वाली प्रोडक्ट है जिससे हम डायरेक्ट पानी और बिजली का डायरेक्ट हम संपर्क में आते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज जो जिससे आप डायरेक्ट पानी के संपर्क में आपका शरीर आता है, तो आप उसको ब्रांडेड कंपनी का लीजिए, क्योंकि अगर आप लोकल कंपनी का ले रहे हैं तो 500 रुपए सस्ता बस पड़ेगा, पर आपको अगर वो स्टॉक मार दे तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा उस चीज को ब्रांडेड कंपनी का लीजिए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी आपकी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखती है और आपको बेहतर प्रोडक्ट देती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या हैवेल्स के इस प्रोडक्ट में क्या क्या दिया है। ये मैंने लिया है 2000 वाट का, जो कि 1 साल के गारंटी के साथ आता है, पर इसकी गारंटी 3 साल आप मानिए, क्योंकि इसमें जो खराब होने वाली सारी चीजें हैं जो है इसका क्वाइल, तो ये जो कि आप अगर बदलवाने जाइएगा मार्केट में इस तरह लोकल मार्केट में, तो आपको कम से कम ये 1000 से 1500 रुपए का बदल लेगा। अगर आप इसकी कंपनी में जाइएगा तो 1500 से कम में नहीं बदलेगा, इसलिए वो आपको इसका 3 साल की गारंटी देता है। और ये किसी भी आप जानते हैं कि ऐसे चीजों में इंडक्शन में सिर्फ इसका क्वाइल खराब होता है, बाकी चीजें नहीं खराब होती, बाकी चीजें खराब भी होती है तो 500 रुपए का खर्चा आता है, तो उसका कोई वो नहीं होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये यहाँ पे ये नया मॉडल है एकदम, जो कि हैवेल्स का देख सकते हैं कि ये GHIC DNK 200 करके इसका कोड है, नेम है इंडक्शन स्टोव। तो ये मैंने खरीदा है टूटा, तो चलिए हम अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा। इधर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ प्रिकॉशन दिया है, जो कि कुछ खास नहीं होता है, बस ऐसा ही होता है, क्योंकि इस समय जो आपका देख सकते हैं कि गैस का दाम आपका 1000 रुपए 1100 रुपए, आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगा, तो आप इस चीज का बहुत ही आसानी से यूज करके अपने घर का खर्चे में कुछ ना कुछ कटौती कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको खोलते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो ये मेरा हो गया बॉक्स ओपन, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमको देखते हैं ये तार है, तो चलिए अब इसको निकालते हैं आगे। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, हमने उल्टा खोल दिया, तो चलिए सीधा कर देते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हमारा, इसमें बाकी इसमें इस डिब्बे में कुछ नहीं है, इसमें ये दिया है फोम इसको सेफ्टी रखने के लिए, तो चलिए इसको हटाते हैं। तो ये चीजें जो है कि आप काफी मजबूत दिया है और ये आपके प्रोडक्ट को काफी सेफ रखेगा, तो इसको साइड में कर देते हैं इन दोनों को। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट चलिए तो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है ये रहा मेरा बिल, तो बिल है जो कि इसके बारे में दिया हुआ है, तो ये देखते हैं हैवेल्स के ब्रांडिंग है, इसमें गारंटी का दिया हुआ है, क्योंकि आपको गारंटी कवर करने के लिए इस बिल की काफी जरूरत है। और ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जिस दुकान से खरीदे हैं बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये प्रोडक्ट हमको पड़ा है फाइनली, आप देख सकते हैं फाइनली हमको पड़ा हुआ है यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं कि हमको पड़ा ये 3,335 रुपए का, और ये सारी चीजें डिटेल दी है। अब मैं अमेजन से आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से इस प्रोडक्ट को एक अच्छे डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। तो आगे हम चलिए देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट फाइनली, तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या है इसका तार, ये देख सकते हैं ये तार की क्वालिटी काफी अच्छी दी है इन्होंने। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको खरीदेगा तो यहाँ पे 16 एम्पियर का प्लग दिया है, जो कि आपके नॉर्मली घरों में नहीं लगा होता, जो कि सिर्फ मोटर एसी के लिए यूज होता है। तो इसको खरीदने से पहले उस प्लग को आप अपने घर में लगाने का व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये लेते हैं और इस प्लग को नहीं लाए इसको खोजने के लिए, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं, जो कि आपको हैवेल्स का ही अगर आप चाहिएगा, तो मैंने इसी का हैवेल्स का ही एक पूरा बॉक्स दिया था, जो कि हम मुझे पड़ा था 150 के आसपास पूरा बॉक्स, जो कि एक प्लग और उसके बाद इसके सॉकेट के साथ मिला था। तो आगे हम इसको देखते हैं, ये रहा हमारा प्रोडक्ट चमचमाता हुआ प्रोडक्ट, ये रहा हमारा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिया है कि क्या कैसे इसको यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे यूज करना चाहिए, इसे 6 किलो से अधिक नहीं रखना चाहिए, इसके बीच में प्रोडक्ट को रखना चाहिए, समतल होना चाहिए नीचे उसको, फिर इसको थोड़ा झाड़ते पोछते रहना चाहिए, और बाकी चीजें दी हुई है जिसको मैं अगले वीडियो में आपको इसको सेफ्टी सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आप इसको सेफली यूज कर सकते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे पावर ऑन बटन है, जो कि इसको ऑन करता है, यहाँ पे टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि ये टेम्परेचर कुछ खास नहीं है, इसे प्लस और माइनस भी आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है ये टाइमर, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि
टेम्परेचर सेट कर दी, और आपको उसको ना जैसे धूल वाला जैसे खोआ बनाना ऐसी चीजें जो कि बहुत लंबे समय तक बनता है, तो उसके लिए आप टाइमर सेट कर दिए तो अपने आप ऑटोमेटिक एक मिनट या दो मिनट पांच मिनट के बाद आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट ये आप टेम्परेचर सेट करते हैं, पर यहाँ पे प्रॉपर चीजों के लिए ये एक बटन से यूज करने के लिए दिया हुआ है जो कि थोड़ा महंगे इंजेक्शन में ही देता है। तो ये यहाँ पे कड़ी आप दबा दीजिएगा तो ये आपको एक छोटे आप कड़ी दबाइएगा तो ये उबालेगा सिर्फ, या दूध आप देखते हैं कि थोड़ा देर तक आदमी उबालता है जिससे उसका सारा पानी उठ जाए और हमको दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, या चाय को उबालने के लिए इस कड़ी का यूज कर सकते हैं। फिर चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए, सूप बनाने के लिए, हॉट सूप बनाने के लिए, ऐसे ऐसे चीजों के लिए बटन दिया हुआ है जिसको प्रॉपर दबा के आप यूज कर सकते हैं। फिर ये सेरेमिक का ये प्लेट होता है जो कि आप कभी भी इसको गर्म रहे उस समय ठंडा पानी ना डालिएगा नहीं तो ये टूट सकता है। बाकी इसके पीछे कुछ खास नहीं दिया है, जहाँ पे इसका सिर्फ एक फैन दिया हुआ है जिसको जिससे कुछ से ये गर्म हवाएं को बाहर फेंकता है, और इधर से आप देख सकते हैं कि ये दिया है जगह जिससे इसमें ठंडी हवाएं जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि इसको ना ज्यादा गैस के पास या गैस को ऊपर ना रखें, ये चीजें बताई गई है। और बाकी ये काफी अच्छी प्रोडक्ट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, वंदे मातरम।